बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईओबीआई पेंशनर को ज़रूर मायूसी हुई होगी, लेकिन ईओबीआई की पेंशन भी सरकारी मुलाजमीन की तरह 17.5% ही बढ़ाई गई है। वो किस तरह? अभी बजट में असाकदार साहब ने ऐलान किया है कि 8,500 से बढ़ाकर ईओबीआई पेंशन 10,000 रुपये महाना की जा रही है। पहले कम से कम पेंशन जो है वो है 8,500 रुपया, इसका अगर 17.5% लें तो ये बनता है 1487.5 और कुल मिला के हो जाता है ये 9,987.50 रुपये, और इसको राउंड फिगर में 10,000 रुपये महाना कर दिया है। दोस्तों, पिछले महीनों से ईओबीआई पेंशनर्स के मुतालबात और सीना गजड़ खबरें तो बहुत थी। कोई कह रहा था जी 15,000 हो जाएगी, कोई कह रहा था 25, कोई कह रहा था 30,000, लेकिन अल्टीमेटली 1,500 रुपये ही इजाफ़ा किया गया है। गो के ये पिछले 3.5 साल के बाद 1,500 रुपये इजाफा है, बहुत ही कम है, लेकिन जो मिल गया है इन हकूमती अहलकारों से वो भी गनीमत है, क्योंकि अगर वो ना भी बढ़ाते तो पेंशनर इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। आए आपको सुनवाते हैं कि वजीर ख़जाना इसहाक डार ने ईओबीआई पेंशन के बारे में क्या फरमाया। आप उनकी स्पीच सुने और मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। नया स्पीकर, जो एम्प्लॉज और ईओबीआई जो है बेनिफिट जो है उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपये है, और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनज़र रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को पूरा ऑटोनोमस है और उसको वो इंक्रीज़ करें। तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कंफर्म किया है, वो अपने लीगल पोर्टल प्रोसेस वो पूरे कर रहे हैं। वो 8,500 ईओबी है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है।